बिग बॉस एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और बिग बॉस में हर सीजन जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, एक तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं आधे, या फिर आने के बाद उनकी कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है। अब ऐसे में बिग बॉस के लिए आपको बता दें, कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल नाम सामने आ रहे हैं जो इस सीजन बिग बॉस में जा सकते हैं, जिसके चलते ये सीजन स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं ये कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो कंट्रोवर्सी के साथ बिग बॉस के घर के अंदर आ रहे हैं, जो बड़ी कंट्रोवर्सी पहले ही उनकी शायद बाहर चल रही है, या फिर अंदर आके ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी बाहर के रिलेटेड या अंदर के रिलेटेड होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आपको ऐसे कुछ नाम बताते हैं, ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल रादर नाम बताते हैं जो इस बार बिग बॉस के सीज़न में, इस सीज़न में दिखाई दे सकते हैं। देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट इंदु स्वेदांगी कर्णिक। बता दें ऑफकोर्स सबसे पहला नाम तो मैंने आपको प्रकृति मिश्रा का ही बताया कि किस तरीके से प्रकृति जो है उन्हें पहले ही बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया है, और प्रकृति मिश्रा ऑलमोस्ट एक कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उनकी फ़िलहाल एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पे उनके कोस्टार की वाइफ ने उन्हें पब्लिकली यू नो मारा था, और यू नो ये कहा था कि यू नो बिकॉज उन्हें डाउट था कि उनके हस्बैंड का प्रकृति के साथ अफेयर है। उसके बाद प्रकृति ने अब 5 करोड़ का डिफेमेशन केस उनके अगेंस्ट कर दिया है। अब इन सारे चीज़ों के चलते कुछ और नाम भी ऐड हो रहे हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है। सबसे पहले ऑफकोर्स निशा रावल का सामने नाम आ रहा है, लॉकअप के अंदर भी वो दिखाई दे रही थी, और उनका कॉन्ट्रोवर्सी विद हर एक्स हस्बैंड यानी करण मेहरा काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई बड़े बड़े कॉमेंट्स दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिसके चलते डेफिनेटली टॉक ऑफ द टाउन वो ऑलरेडी बन चुकी है। बिग बॉस के अंदर लोग इस कॉन्ट्रोवर्शियल फेस को ज़रूर देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ नुसरत जहान का भी नाम आ रहा है, उर्फी जावेद, ऑफकोर्स उर्फी जावेद तो है ही, उनके यू नो लाइक बोल्ड ड्रेसिंग सेंस के चलते कई सारे लोग जो है उन्हें नहीं पसंद करते, कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर ज़रूर है। चारू असोपा, जिन्होंने रिसेंटली अपने हस्बैंड राजीव सेन के साथ शादी को फिर एक बार मौका देने की बात की है, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी के दायरे में थी। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, उन्हें भी अप्रोच किया गया है, उनका भी एक नाम आ रहा है, जहाँ पे भले एक तरफ सामने ऐसी खबर आ रही है कि ही इज़ नॉट वांटिंग टू डू बिग बॉस एंड ही अर्न्स बिग टाइम, मतलब जितना बिग बॉस का बजट नहीं होता उतनी ज़्यादा उनकी कमाई है, बट फिर भी उनका नाम आ रहा है फिर से, क्योंकि उन्हें फिर एक बार मेकर्स ट्राई कर रहे हैं शो में लाने के लिए। साथ ही साथ निमृत कौर आहलूवालिया है, अभिषेक वर्मा है, सनाया ईरानी का भी नाम आ रहा है। सो यस, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स हमें इन कंटेस्टेंट्स के बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी दिखाई दे सकते हैं। मुनव्वर फारूकी अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे उनके कुछ शोज़ पहले, जिसके बाद उन्हें लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के चलते जेल में भी डाला गया था। जेल में 30 दिन के ऊपर वो रहे थे, वापस आए, अभी लॉकअप भी वो जीत कर आए हैं, लेकिन फिर भी उनके शोज़ बैक टू बैक अभी भी फिर से कैंसिल होने लग गए हैं। सो यस, अगेन दैट इज़ वन थिंग। सो यस, ये कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स हैं जो हमें नज़र आ सकते हैं इन बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ। क्या कुछ कहना है आपको, इनमें से किस किस को देखना पसंद करोगे, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू सून।